सेवेंथ में मैंने बोला था फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ऐसा सा क्वेश्चन था अपने पास है ना सॉरी <coughs> तो देखने में गंदा है और कुछ नहीं है बस अपने पास तो सबसे पहले तुम तो क्या बोलेंगे मैं बार दोबारा लिख लेता हूँ साफ साफ थोड़ा सा सावल टू वन अपॉन अंदर के था x mod x minus 5. इसके बाद पूरे का greatest integer. फिर पूरे का मोड था और माइनस में इलेवन था तो मैंने क्या कहा था जब भी डोमेन निकालना हो तो हमें क्या करना होगा हम आएंगे बाहर से अंदर की तरफ तो जो सबसे पहले बाहर वाली चीज है उसको डिफाइन करेंगे और अंदर आते जाएंगे तो वन के अपॉन में रूट है अब रूट के अंदर जो भी नंबर होगा यानी क्या लिखा हुआ है मोड माइनस फाइव

एक्स पर सिंपल मोड है फिर फाइव माइनस होकर फिर बुक्स है ठीक है तो मोड एक्स माइनस फाइव इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरे का मोड अगर माइनस इलेवन को उधर फेंकेंगे तो ये बन गया इलेवन इस तरीके से अब किसी एक नंबर है तुम ध्यान मत दो कितना कॉम्प्लिकेटेड नंबर है कोई भी नंबर है उस नंबर का जो मोड है वो इलेवन से बड़ा है तो इसके लिए हमने क्या लिखा था अगर किसी नंबर का मोड और कौन सा नंबर है ये वाला अगर इस नंबर का मोड 11 से बड़ा हो तो या तो यह नंबर माइनस इलेवन से छोटा होगा या फिर यह नंबर जो है हमारे पास वो 11 से बड़ा होगा ये दो केस बनते हैं अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं मैंने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर में काम करते वक्त मैंने कहा था इक्वल टू का जरूरी है काम करना तो अगर किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस इलेवन से छोटा है तो मैं कह सकता हूं कि वो माइनस ट्वेल्व के इक्वल या उससे छोटा होगा क्योंकि माइनस इलेवन के बाद सीधा ये वाली वैल्यू लेगा वैसे अगर यहां पर काम करें तो मोड एक्स माइनस फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व आना चाहिए ठीक है अब मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने एक एक करके फंक्शन हटाते जा रहे हैं पहले रूट का, का काम कर लिया फिर मोड का काम कर लिया अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे तो क्या बचेगा मोड एक्स माइनस फाइव किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था ये नंबर क्या आएगा ये आएगा लेस देन माइनस का इलेवन ठीक है वैसे ही अगर यहां पर बात करें तो मोडक्स माइनस फाइव अगर इस नंबर का मोड 12 या 12 से बड़ा है तो ये नंबर 12 या 12 के बराबर होगा इतना किसी भी का मोड एक से आ नहीं सकता, नहीं है। तो इसको तो हम यहीं पर रिजेक्ट कर देंगे कुछ नहीं मिला यहाँ से अगर इस हिस्से को सोल्व करें राइट वाले को तो मोड एक्स आएगा ग्रेटर अब किसी नंबर का मोड ग्रेटर टू सेवनटीन हो तो उसके लिए तरीका क्या बताया था माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस सेवनटीन यूनियन 17 से लेकर इन्फिनिटी ये अपना आंसर हो जाएगा और ये मेरे हिसाब से मैंने दिया था तो बताओ भाई अगर इसमें कोई डाउट बचा है किसी का कुछ नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिनका हो गया है, वो स्क्रीनशॉट मत मत लेना क्योंकि नोट्स का पार्ट नहीं है अपने जिनका नहीं हुआ वो ले सकते हो बाकी तो अभी और भी डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ है तो और बताओ भाई क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है अपने पास एक्स प्लस थ्री का मोड प्लस एक्स अपॉन में है एक्स प्लस टू और ये है अपने पास ग्रेटर देन वन तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है ये बेसिकली इन इक्वालिटी का सवाल है तो हमें मोड खोलना पड़ता है मोड में हम काम करना थोड़ा कम पसंद करते हैं तो मोड क्या है एक्स प्लस का मोड है तो यहां पर हमें दो केसेस बनाने पड़ते हैं हमेशा केस वन क्या होगा कि

थर्ड है किसी का ये बताओ अब मैं स्टार्ट कर चुका हूँ जिसने पूछा था वो कह रही है कि थर्ड नहीं है डाउट सिक्स्थ है थर्ड है तो बताओ नहीं तो मैं कंटिन्यू करूँ नहीं तो साफ करूँ मैं इसको निधि करिए बता दो ठीक है तो इस तरीके से काम करेंगे तो x प्लस एक्स कितना जाएगा टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में आएगा एक्स प्लस ग्रेटर देन जीरो तो यहां से हमें मिलेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो वेविकव का यूज करेंगे वेवी वेविकव क्या बोलेगा माइनस टू माइनस वन प्लस माइनस प्लस हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट तो यहां से ये इंटरवल आया लेकिन ये सब कुछ काम कब हो रहा है जब हम मानकर चला है हमने कि एक्सप्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये दोनों कंडीशन का इकट्ठे काम करना जरूरी है तो हम इन दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे आपस में यहां पर इंटरसेक्शन लेना जरूरी होगा तो वो ले लेते हैं क्या आएगा नंबर लाइन पर प्लॉट करो एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस थ्री तो हमारा जो एक्स है वो या तो माइनस थ्री के इक्वल होगा तो इक्वल टू वाला और या उससे बड़ा होगा दूसरी बार हम क्या बोलेंगे यहां से तो हमारे पास क्या है माइनस टू माइनस वन दूसरे वाले से हमें पता चला कि या तो माइनस टू से छोटा है ये देखो ये जो मैंने डब्बे में बनाए हुए या फिर माइनस वन से बड़ा है सॉरी ओपन आएगा दोनों जगह क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो हमें क्या चाहिए होगा कॉमन पार्ट चाहिए होगा कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है ये वाला एक तो ये वाला हिस्सा आ रहा है जो दोनों छत के नीचे है एक ये वाला तो यहां से हमें पता चला X की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस थ्री से लेकर माइनस टू माइनस थ्री पर क्लोज माइनस टू पर ओपन और माइनस वन से लेकर इंफिटी ये तो आया केस वन का आंसर इसी तरीके से हम केस टू सोल्व करेंगे केस टू सोल करने का तरीका क्या होगा अब हम मानकर चलेंगे कि जो मोड के अंदर नंबर है एक्स प्लस थ्री वो नेगेटिव है मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा तो मोड कैसे खुलेगा माइनस से तो माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस ऊपर तो देखो ओरिजिनल लेने पर माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी वेवी कर्व का कर यूज करेंगे तो माइनस फाइव माइनस टू प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला हिस्सा चाहिए तो आ गया माइनस फाइव से माइनस टू लेकिन ये वाली कंडीशन कब आ रही है जब हमने ये मानकर चला है कि एक्स प्लस थ्री नेगेटिव है तो मुझे इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन जैसे ऊपर लिया अभी थोड़ी देर पहले तो नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे यहां पर इन्वॉल्व हो गए कौन कौन से नंबर माइनस फाइव माइनस थ्री और माइनस टू ऊपर वाली जो कंडीशन है ये कह रही है कि x माइनस थ्री से छोटा होना चाहिए तो यहां पर ओपन और इस तरीके से माइनस थ्री से छोटा जो दूसरी कंडीशन हमने निकाली है वो कह रही है कि माइनस फाइव से माइनस टू के बीच में होना चाहिए तो ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों लाइन के नीचे आ रहा है ये वाला तो यहां से हमें पता चला कि एक्स माइनस फाइव से लेकर माइनस थ्री के बीच में होना चाहिए सही बात है अब ये दो आंसर आए देखो एक ये वाला पहले वाला ये दूसरे वाला केस वन केस टू में हमेशा हम क्या लेते हैं यूनियन तो अगर इनका यूनियन लेंगे तो माइनस फाइव से माइनस थ्री यहां पर आ गया माइनस थ्री से माइनस टू यहां पर आ गया तो बेसिकली क्या मिला माइनस फाइव से माइनस टू यूनियन माइनस वन से इंफिनिटी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नंबर टू में हमें बोला गया एक्स माइनस वन का मोड माइनस फाइव पूरे का मोड और ये है लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू टू इसमें भी सेम काम करने कुछ नहीं पहले बाहर वाला मोड सोल्व करते हैं अंदर एक नंबर है उस नंबर का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ रहा है कोई भी नंबर हो अगर उसका मोड टू या टू से बड़ा है तो उसका आंसर क्या होगा कि हमारा जो नंबर होगा अंदर वाला वो या तो माइनस टू से छोटा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए या फिर वो नंबर टू से बड़ा होना चाहिए ये आ गया अब यहां से अगर बात करें तो एक्स माइनस वन का मोड आएगा माइनस फाइव इधर लेकर जाओगे तो प्लस का थ्री हो जाएगा यहां पर यहां पर बात करोगे तो यह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन अब दोबारा x माइनस वन एक नंबर है जिसका मोड लेस देन इक्वल टू थ्री है किसी नंबर का मोड लेस देन इक्वल टू थ्री हो तो, कहां कहां तो होगा माइनस थ्री से लेकर थ्री के बीच में ये बताया था अब माइनस वन आ गया किसका डाउट था ये ऋतिक का डाउट था और वो कह रहा है हो गया। और किसी को जानना है इसके बाद क्या होगा ठीक है आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन किसी ने बोला फोर्थ क्वेश्चन में क्या है एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस टू का मोड

राइट हैंड साइड में ले लो सबसे 2. अगर X, 2 से बड़ा है कोई भी एक एग्जाम्पल तो का मोड का मोड के अंदर वाला नंबर तो अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो दोनों मोड के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो जैसे हैं वैसे के वैसे बाहर आ जाएंगे तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर टू फोर टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन एक्स आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू ये केस वन की कंडीशन है आंसर इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा तभी काम करेगा जब ऊपर वाली कंडीशन काम करेगी तो x 2 से बड़ा भी होना चाहिए x 7 बाई टू से भी बड़ा होना चाहिए तो किसकी बात सुनेंगे 7 की वाले की तो x आ गया 7 बाई टू से लेकर इन्फिनेटी ये तो हुआ हमारे पास पहला केस अब इसी तरीके से हम केस 2 ले लेंगे

1.2 2 करोगे तो माइनस का 0.8। दूसरे वाले मोड के अंदर नंबर नेगेटिव बनेगा तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर खुलेगा 4. ये वाली बात कभी भी सही है नहीं है कुछ भी एक्स रख लो वन फोर से बड़ा नहीं आ सकता मतलब केस टू से हमें क्या मिला इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइव कोई आंसर नहीं मिला अपने को और केस थ्री की अब बात करेंगे केस थ्री में क्या होगा अब वन से टू भी ले लिया अब जाएंगे वन से छोटे की तरफ तो एक्स लेस देन वन अब अगर एक्स वन से छोटा है तो दोनों मोड के अंदर नंबर वन से नेगेटिव होगा तो दोनों मोड किससे खुलेंगे माइनस से तो यहां पर आ जाएगा माइनस का टू एक्स और ये बना कितना प्लस का थ्री और माइनस का वन कैलकुलेशन देख लेना बाकी तरीका तुम जानती है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया यहां पर आ जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस लिख लो इसमें क्यों मेहनत करनी तो यहां से हमें पता चला एक्स जो है वो माइनस वन बाई टू से छोटा होना चाहिए दोबारा जो ओरिजिनल कंडीशन है और जो हमने निकाल लिया दोनों का क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे क्या मिलेगा कि ये कह रहा है एक्स वन से छोटा हो ये कह रहा है माइनस वन बाई टू से छोटा हो अगर दोनों की बात मानी जाए तो कहां से कहां तक आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाई टू क्योंकि उससे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं उम्मीद करता हूं इंटरसेक्शन लेना आता होगा अब तीनों केस आगे अलग अलग केसेस का हमेशा क्या लिया जाता है यूनियन तो यहां से तो हमें पता चला कि एक्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बाई टू है सेकेंड केस ने हमें कुछ भी नहीं दिया फाई दिया और पहले केस से हमें पता चला था सेवन बाई टू से लेकर इन्फिनिटी ये हमारा आंसर होगा ये जो वेवी कर्व वाला सर ने जो लेक्चर भेजे थे उसमें मोड के सवाल थे क्या उसमें वैसे जो ये मैं अभी कर रहा हूं कि केसेस तोड़ने वाला ये उसमें मोड का टॉपिक नहीं था अच्छा उसमें मोड का टॉपिक नहीं था इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं फिर तो तो पूछो पूछो भाई फिर तो पूछो। फिर दबा के वो किसी और लेक्चर में होगा चलो किसी ने भी पूछा है, टेंथ जो मुझे दिखा टेंथ में हमें क्या बोला गया था फाइंड द डोमेन ऑफ एफेक्स इज इक्वल टू अंडर एक्सकेयर प्लस X, sorry इन टू टेन एक्स माइनस टू ये था तो जैसा कि मैंने कहा भी, निकालने, तो रूट, हमारे पास क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर टू जीरो होना जीरो भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो सिग्नम एक्सकेर टेन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए मैंने क्या कहा था सिग्नम की जो वैल्यू आती है वो क्या क्या आ सकती है माइनस वन आ सकती है जीरो आ सकती है वन आ सकती है इसके अलावा कोई वैल्यू ले सकता है नहीं ले सकता तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही वन है तो ये टू वैल्यू से बड़ा कैसे हो जाएगा पॉसिबल ही नहीं है तो अंदर तुम कुछ भी नंबर डाल लो फर्क ही नहीं पड़ता सिग्नम टू से बड़ा नहीं हो सकता यानी कोई भी एक्स की वैल्यू काम की नहीं है तो हमारा डोमेन क्या जाएगा एक्स बिलोंग्स टू फाइव आया समझ भाई इसके बाद किसी ने बोला है सिक्स क्वेश्चन सोल्व एक्सकेर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन का मोड साथ में है टू एक्स माइनस थ्री का नोटिस करो तो ये क्या लिखा हुआ है पहले एक नंबर है उसका मोड है फिर दूसरा नंबर है उसका मोड है इक्वल टू में इन दोनों नंबर का सम उसका मोड ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में करे थे हमने बस ये नोटिस करना पड़ेगा तुम्हें नोटिस नहीं करा फिर वो गड़बड़ वाली बात है फिर तो अगर सवाल करने लगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा ठीक है तो दोनों के अलग अलग मोड का सम इक्वल टू सम का मोड तो ये मैंने कब बताया था जब दोनों सेम साइन के होंगे यानी अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अल्फा का, का काम कौन कर रहा है फोर बीटा का, का, का काम कौन कर टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अब क्वाड्रेटिक जिन्होंने लेक्चर्स देख लिए अटेंड कर लिए हैं उनको आइडिया लग गया होगा देखो एक बात और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं शुरू शुरू में तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धजिया उड़ेंगी जो थोड़े स्कूल वाले हो बच्चों पहले बता दू थोड़ा सा ये होगा कि जो अभी खासकर अभी आयो जैसे योगेश बच्चा है तो अभी तक तुमने वो जैसे चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन उसकी चिंता मत करना वो बाद में होगा तो ये टॉपिक्स जो है ना जो मैं छोट छोटी छोटी बातें होंगी जैसे मैं अभी बोलूंगा कि अगर स्कूल में नहीं पढ़ाते कि क्वाडेटिक है इस क्वाडेटिक का ए पॉजिटिव है का का डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम चेक करोगे नेगेटिव आएगा अगर किसी क्वाड्रेटिक में ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है ये बात हम गारंटी से कह सकते हैं तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको मैं जीरो के नीचे लाकर जाकर खत्म कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी साइन चेंज भी नहीं होगा टू एक्स माइनस थ्री आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से एक्स आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू तो हो सकता है कि तुमने स्कूल में ये चीजें ना पढ़ी हो ऑलवेज पॉजिटिव वाली तो उसकी चिंता मत करो अभी हो गया फिलहाल हमें फंक्शंस की जो बारी हैं, वो सीखनी है ये चीजें क्वाडेटिक में सिखाई जाती हैं काफी अच्छे तरीके से सवाल बनते हैं इसके ऊपर पूरे तो अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ लगे ना कि थोड़ा इस तो जो मैं कह रहा था कॉन्फिडेंस वो कम करने की मतलब वो नहीं करनी कि टेंशन में आ रहे हो कि हमसे तो ये सवाल ही नहीं हमें तो पता ही नहीं चीज ये फंक्शन की चीज है भी नहीं ठीक है अभी जैसे आज मैं टिक्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा उसको मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बता के आगे निकल जाऊंगा क्योंकि टिक्नोमेट्रिक के तुम्हारे चार चैप्टर है तो वो जब ढंग से हो जाएगी तो टिक्नोमेट्रिक की जो बारीकियां किस टाइप के सवाल बनते हैं वो आराम से आ जाएंगे फिलहाल हमें फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है या मत करना। हाँ कि ऑलवेज पॉजिटिव होगी यहाँ पर गायब करो देन इक्वल टू थ्री बाय टू ये आंसर किसी का डाउट हो तो लिख के भेज देना मैं साफ नहीं कर रहा दोबारा इस बार आ सकते हैं अपने अब किसी ने बोला है एट क्वेश्चन क्या था हमारे पास फाइंड डोमेन ऑफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन प्लस में है अंडर रूट फोर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो क्या करेंगे दो रूट के अंदर फंक्शन आ रहे हैं. तो रूट को डिफाइन करना पड़ेगा तो पहले रूट की बात करें तो हमें पता चलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन जो है वो ग्रेटर टू जीरो होना चाहिए जरूरी है जो दूसरे रूट के अंदर नंबर है वो भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन कैसी है एंड की। एंड की का मतलब दोनों का काम करना जरूरी है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक करे और दूसरा ना करे तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगी इसका आंसर लिखने का तरीका बताया था वन से लेकर इन्फिनेटी आगे देखते हैं यहां से अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तुम्हें मिलेगा लेस देन इक्वल टू फोर माइनस इन्फिनिटी से फाइव लेकिन फाइव पर ओपन अब मुझे दोनों कंडीशन से काम करवाना है दोनों कंडीशन का काम करना जरूरी है पहली कंडीशन कह रही है कि यह वन से बड़ा होना चाहिए दूसरी कंडीशन कह रही है कि नंबर जो है वो फाइव से छोटा होना चाहिए ऐसा पार्ट क्या है जो दोनों के नीचे आ रहा है दोनों छत के नीचे वन से फाइव तो हमारे पास एक्स आ जाएगा वन से लेकर फाइव वन पर क्लोज्ड और फाइव पर ओपन क्योंकि यहां पर ऊपर वन पे क्लोज्ड है फाइव पर ओपन है इसलिए तो ये हमारे एट का आंसर होगा नाइन्थ में हमें बोला गया था फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सिर माइनस टू एक्स प्लस थ्री रेंज निकालते वक्त मैंने क्या कहा था हमेशा कैसे काम करने अंदर से बाहर की तरफ आने तब आसानी से रेंज निकाल सकते हैं अपने तो सबसे अंदर क्या है क्या है? है पहले इसकी बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है क्या तरीका बताया था परफेक्ट स्केर बना लो परफेक्ट बनाओगे स्केर बना का स्केर प्लस टू है ना वन प्लस टू थ्री हो जाएगा एक्सपेंड करोगे यही बनेगा किसी भी नंबर का जो स्केयर होगा यहां पर इसकी रेंज लिखते हैं किसी भी नंबर का जो स्केयर है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी तो जीरो प्लस टू टू तो मिनिमम वैल्यू तो आ रही है टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी इन्फिनिटी तो ये आ गया टू से इन्फिनिटी अब ये जो नंबर है वो किसके अंदर डालेगा सिग्नम के अंदर तो मुझे सिग्नम चाहिए किसका एक्स माइनस वन का स्कूल प्लस टू का अब किसी भी नंबर का सिग्नम निकाल रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर नंबर पॉजिटिव है जीरो नेगेटिव बातों से फर्क पड़ता है तो मुझे पता चल रहा है अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो से इन्फिटी है मतलब वो नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है और अगर ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिग्नम हमेशा क्या वैल्यू देगा अपने को एक ही वैल्यू देगा वन देगा तो रेंज में सिर्फ एक नंबर होगा वन ये आंसर होगा चलो फिर आगे बढ़ते हैं और वो बातों पर ध्यान देना जो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक क्योंकि कुछ चीजें मैं यूज करूंगा लेकिन एक बार प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे तो टिक्नोमेट्री वगैरह पढ़ने के बाद जब दोबारा फंक्शन के नोट्स पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली ठीक है चलो लास्ट टाइम हम हमने क्या करा था लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों पढ़ा दिए थे उनकी प्रॉपर्टीज बता दी थी एक क्वेश्चन भी दिया था अगर मुझे सही याद आ रहा है वैल्यूज तो ये थी कि पहले था वन बाय फोर का ग्रेटेस्ट ग्रेटीज फिर था वन बाय फोर प्लस वन अपॉन हंड्रेड फिर था वन अपॉन फोर प्लस टू अपॉन हंड्रेड और ये चलता जा रहा था अगर मुझे सही याद है तो वन बाय फोर प्लस वन फिफ्टी अपॉन हंड्रेड तक ठीक है ये हमने बोला था मैंने कहा था इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी आएगी उम्मीद करता हूँ ट्राई कर लिया होगा भूले नहीं होगे तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा सॉरी <coughs> तो यहाँ पर इसको सोचने का तरीका क्या होता है ऑब्वियसली वो फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला जो हमने लगाया था यहां पर तरीका यह होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को पढ़ने का आसान तरीका ये है कि तुम ये देखो कि कब वो एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर की तरफ जा रहे जैसे कब एक इंटीजर को क्रॉस करेगा तो देखो वन बाय फोर वाली चीज तो कॉन्स्टेंट है ना ठीक है ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं by वाली चीज तो कॉन्स्टेंट है by कितना होता है इससे बड़ा इंटीजर क्या मिलेगा वन मिलेगा अब तुम्हें यह सोचना है कि डब्बे के अंदर वन बनना कब चालू होगा ठीक है डब्बे के अंदर वन बनना कब चालू होगा कब चालू होगा जब तुम वन बाय फोर में थ्री बाय फोर जोड़ोगे और थ्री बाय फोर जोड़ने का मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड तो मुझे इतना समझ में आया कि जब मैं वन बाई फोर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा की बात करूंगा या की बात करूंगा और इसको हम ले जाते हैं वन बाई फोर प्लस सेवन फोर बाय हंड्रेड तक ठीक है ध्यान से सुनते रहना क्या बोल रहा हूं यहां तक अगर तुम बात करोगे तो हर डब्बे के अंदर जो नंबर है वो वन से छोटा नंबर आ रहा है चेक करो क्योंकि जब तक की 75 फाइव बाई हंड्रेड नहीं मिल जाता तब तक 3 बाय फोर नहीं मिलेगा तब तक अंदर वाला नंबर वन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली ये सारे जो नंबर मैंने लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो नंबर वन से छोटे हैं तो वन से छोटे नंबर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो वो जीरो ही आएगा अगर नंबर जीरो से वन के बीच में है तो उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा तो उन सबका सम भी कितना होगा जीरो होगा ये आ गया अब चालू करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वन बाय फोर प्लस सेवनटी फाइव बाई हंड्रेड इसकी बात करते हैं

समझ तो ये बात तभी टू बनेगा ना सेवन बाई फोर बनने का मतलब क्या होगा अगर हमारे जो नंबर लिखे हुए हैं उनकी फॉर्म में बात करें तो जब वन सेवन अपन हंड्रेड आ जाएगा लेकिन 175 तक तो हम जा ही नहीं रहे हम कहां तक जा रहे हैं सिर्फ वन फिफ्टी तक जा रहे हैं तो इसका मतलब जहां तक हमें नंबर दिए हुए हैं तक वहां तक हमारे पास कितनी वैल्यू आती जाएगी वन आती जाएगी अगर ये वन सेवन फाइव या वन सेवन को क्रॉस करता तब हमें वैल्यू मिलनी चालू होती टू तो हम देखते कि कहां तक टू मिलेगी फिर थ्री आनी चालू हो जाती है ये तरीका होता है करने का तो यहाँ पर तो सबकी वैल्यू है। अब सेवन 75 सिक्स से, 75। आया फिर वन फिफ्टी आया तो सेवन से काउंटिंग चालू हो रही है और वन फिफ्टी तक जा रही है तो क्या करेंगे 150 75 तो ये जो है वो कितनी बार एड होगा सेवन टाइम्स तो इनका सम आ गया सेवेंटी सिक्स तो ओवरऑल जो सम आएगा वो भी आएगा सेवन क्योंकि ऊपर वालों का तो जीरो ही आया था ये आंसर है तो ये सोचने का तरीका होता है इसके बाद नंबर कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मेथड यही रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पर न, सर अगर 99 वाले टर्म तक फॉर्मुला लगा दें हाँ बेटा बिल्कुल लगा ले उसके बाद फिर 99 के बाद जो 100 आएगा वहां से हमें फिर चेक कर लेंगे हाँ वो भी सही है पर पूरे पे फॉर्मला नहीं लग पाएगा मतलब सिर्फ फॉर्मले की मदद से हम सवाल कर ऐसा नहीं होगा मतलब जो लॉजिक लो, मैंने बताया है कि एक इंटीजर से जब दूसरे इंटीजर पर जाएगा तब हमें तोड़ना पड़ेगा वो तो हमें करना ही पड़ेगा मतलब तो इससे अच्छा सीख ले मतलब इसीलिए इस क्वेश्चन करवाया जाता है ताकि वो कंसेप्ट समझ में आ जाए हाँ वो कर सकते हैं नाइनटी तक वैसे कर ले फिर हंड्रेड के बाद वैसे गिन ले दूसरे तरीके से बिल्कुल आंसर आएगा चलो इसके बाद अब कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पर जो कुछ स्टैंडर्ड टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं जो नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं और थोड़ा कोशिश करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व करने की आजकल पेपर ऐसा ही आता है कि स्पीड का खेल बन जाता है सारा तो स्पीड अच्छी होगी तो बाकी क्वेश्चन के लिए उतना ज्यादा अच्छा टाइम मिलेगा अपने तो यहां पर तुम लिखोगे इफ वाई इज इक्वल टू टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस थ्री एंड ऑल्सो वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फाइव देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का डब्बा लिख के और बोल रहा हूँ हमारी अभी क्लास चल रही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि है कभी पेपर में गलती ये मत कर देना कि अगर मान लो एडवांस का पेपर देने बैठे हो जब भी छह महीने दस महीने बाद कि उसने डब्बा बनाकर एक्स लिखा हो और तुम कह दो कि सर ने समझाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है नहीं है ये जब तक की वो ये लिखे ना नॉर्मली आई का कोई भी साल का पेपर उठाकर देखोगे इस साल भी तुमने दिया होगा वो ये लिखता है ऐसे डब्बा बनाकर डोट लिखता है बीच में रिप्रेजेंट है ऐसे करली ब्रैकेट बनाकर वो लिखता है रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब तक की ये ना बोला जाए तो आई में तुम एज्यूम नहीं करोगे कि बड़ी ब्रैकेट आ गई तो वो होगा वो हमें पता है कि हम सवाल उसके कर रहे हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा बार बार हर जगह तो इस चीज पे ध्यान देना अब करो सवाल करो जल्दी से चलो देखते हैं डिस्कस करते हैं कैसे होगा तो यहां पर तुम नोटिस करोगे पहले भी मैंने एक वाई नंबर दिया हुए, बाद तो तो सोल्व तो होगा, होगा। तो करते हैं थोड़ा सा तो टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू अब देखो क्या है तुम्हें बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कोई इंटीजर आ रहा हो अंदर इंटीजर हो जैसे माइनस टू है तो उस माइनस टू को उठाकर बाहर निकाल सकते हो जैसे बताया था ना अगर एक्स प्लस एन है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा X का बॉक्स अगर इंटीजर है तो, तो यहाँ पर N के वो बाहर आ जाएगा तो थ्री इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस सिक्स प्लस फाइव सोच के देखो अगर मैं यहां से सोल्व करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास फोर के बराबर इतना मुझे पता चला अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फोर है तो वाई कितना होगा सोच के देखो कोई भी इक्वेशन तो, तो, हम तो हमें पता ही है ना उसकी वैल्यू तो पुट कर ही देते हैं वाई की वैल्यू कितनी इलेवन एक्स नहीं पता फिलहाल हमें अब इलेवन इंटीजर है इस सेम प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं इलेवन को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इलेवन इंटीजर है 11 को बाहर निकालो कितना गया x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से हम बता सकते हैं 4 आएगी तो 4 plus 11 आंसर आ जाएगा अपने पास 15 ये तरीका होगा तो बस प्रॉपर्टीज हमें ध्यान देनी है थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे धीरे-धीरे आता जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप का सवाल पूछा है यहां पर मान लो अब तुमसे पूछ लिया जाए सॉल्व यहां पर है टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फ्रिक्शनल पार्ट एक्स इसका सॉल्यूशन तुम्हें मैं खुद ही बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का सवाल है इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है तो वो ध्यान से समझना है कि क्या करना है इसमें तो ऐसी सी तुम्हें एक इक्वेशन बनाकर दे देगा सिर्फ एक्स ए की वेरिएबल होगा उसमें दो तीन चीजें आ सकती हैं एक्स आ सकता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हुआ पूरे नंबर को किस में तब्दील कर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में मैं यहां पर लिख भी देता हूं कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ठीक है एक्स नहीं छोड़ना हमें किसी भी तरीके से तो करने का तरीका टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर जो स्मॉल है उसकी वैल्यू में लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट सोच के देखो और प्लस में है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिख सकते हैं ना क्योंकि मैंने कल क्या लिखवाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जो थे वो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है इसको उठाकर इधर ले आओ तो एक्स आ जाएगा दोनों का सम

अब हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शनल है, पार्ट उसकी वैल्यू वन से जीरो के बीच में आती है ये उसकी रेंज है इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर है तो वो भी वन और जीरो के बीच में आएगा यह तो यहां से एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो आ जाएगा टू और जीरो के बीच में अब इससे फायदा क्या हुआ किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो से टू के बीच में आ रहा है तो वो हो, होगा तो इंटीजर ही अब इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं या तो वो जीरो वैल्यू ले सकते हैं या वन वैल्यू ले सकते हैं इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है टू पर इक्वल होता तो हम टू भी ले लेते अब ये तो आ गया अब यहां से हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यहां से देखो कितना आएगा जीरो अपॉन टू यानी जीरो आएगा अगर वन है तो कितना आएगा वन अपॉन टू जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो है तो जीरो आएगा वन है तो वन पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव आएगा अब हमें वैल्यू किसकी बतानी है एक्स की तो x जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x तो क्या वैल्यू आ जाएगी जीरो प्लस जीरो यानी जीरो आ जाएगी या फिर x कितना आ जाएगा वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव यानी वन पॉइंट फाइव ये दो पॉसिबल आंसर होंगे दोनों x गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बताओ भाई जल्दी से अगर कुछ नहीं समझ में आया कुछ दिक्कत हो पर स्टेप्स याद रखने अपने को सवाल तो हो गया सवाल में तो क्या ही है सिंपल सा सवाल था अगर स्टेप्स पता हूं तो थ्री एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू सॉरी यहां पर तुम लिखोगे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ठीक है ये क्वेश्चन है सोल्व करने का मतलब ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पेज का फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड टाइप का सवाल इसमें पूछा जाता है वो है फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जल्दी से इसकी रेंज निकाल के दिखाओ कितनी आएगी कोशिश करो कैसे करोगे देखते हैं क्या होगा अब इसने थोड़ा सा तो थो हमारे सहूलियत के लिए अच्छा सा दे दिया तो हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं part X. में आएगा one plus. X greatest integer X, यानी part X. ये बात लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है उसमें वन ऐड कर देते हैं और वन माइनस कर देते हैं इससे फायदा देखते हैं क्या होगा इससे फायदा ये होगा कि जब वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट एक्स है शुरू की दो टर्म देखो उसको जब हम वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा माइनस में होगा वन अपॉन वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यह आएगा अब हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं क्योंकि फायदा क्या हुआ जब हम रेंज निकालना चाहते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि एक तो कम से कम वेरिएबल हो कम से कम अनोन और वो एक ही तरफ आ रहे हो तो ज्यादा अच्छे तो रेंज हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसकी क्या आ जाएगी पहले तुम क्या करो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को जीरो पुट कर दो सोच के देखो क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो है तो वन अपॉन वन प्लस जीरोगा जीरो बनेगा one one, one में से गया, यह बचेगा लेकिन कभी तो ले नहीं सकता तो ये कभी एक्चुअली वन बाय टू वैल्यू नहीं ले पाएगा तो यहां पर क्या आएगा ओपन ये हमारी रेंज का आंसर होगा अब इस सवाल को करने के दो मेथड हैं जल्दी से दूसरा मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो कर लेंगे तरीके हमें पता होना चाहिए क्योंकि जो नया सवाल आएगा उसमें हमें नहीं पता मेथड छोटा पड़ेगा तो दूसरा तरीका लिख ही चुके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा एक्स इसको उठाकर इधर शिफ्ट कर दो इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस वाई फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यहां से अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो आएगी वाई अपॉन वन माइनस वाई ठीक है अब मैं जानता हूं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जीरो से वन के बीच में होता है तो इसका मतलब वाई अपॉन वन माइनस वाई भी कहां से कहां तक होना चाहिए जीरो से वन के बीच में अब क्या करोगे पहले इस हिस्से को सोल्व करोगे पहले तुम इस हिस्से को सोल्व करोगे इनइक्वालिटी हमें सोल्व करनी आती है लेक्चर हम देख चुके हैं फिर इस हिस्से को सोल्व करोगे दोनों जगह से वाई की वैल्यू आएंगी अलग अलग उन वैल्यूज का क्या ले लोगे इंटरसेक्शन जब इंटरसेक्शन लेकर सोल्व करोगे तो यहां से भी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से आंसर आ जाएगा वाई बिलोंगिंग टू जीरो टू वन बाई टू आंसर सेम आना ऑब्वियसली और जो वाई की वैल्यू होगी वही हमारी एक्चुअली रेंज होगी आ गया समझ तो ये तरीका हुआ बाकी आज भी तुम्हें डीपीपी टू मिल जाएगी अभी लेक्चर पांच बजे खत्म होगा तो तुम्हारा थोड़ा लेट मिलेगी वेट कर लेना छह सात बजे तक मिल जाएगी और वही सॉल्यूशन कल तक मुझे चाहिए होंगे वो डीपीपी जो होगी बेस्ड होगी सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर तो ये हमारा टॉपिक फिलहाल इसमें कवर हुआ उसमें कुछ मैं जान एक दो टफ क्वेश्चन भी दूंगा जिस, जो तुम्हें खुद को सोचने पड़ेंगे नए टाइप के सोचना कोई बात नहीं लेकिन कल उनको डिस्कस करेंगे फिर अपने ठीक है जितने हो रहे हो उतने कर लेना एक बार बाकी आगे बढ़ते नाइन्थ ना, नाइन अलग अलग फंक्शन हम पढ़ चुके थे अब बात करते हैं टेंथ वाले की टेंथ हमारे पास है एक्सपोनशियल फंक्शन ठीक है याद करो अगर नहीं भूले हो तो हम टाइप्स पढ़ रहे थे अलग अलग फंक्शन की क्या क्या टाइप होते हैं ब्रॉडली तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे देखो पोलिनोम में तो क्या होता है एक्स का स्केयर एक्स का क्यूब एक्स की पावर फोर ये होता है मतलब वेरिएबल की पावर होती है कॉन्स्टेंट नंबर एक्सपोनेंशियल में उल्टा होता है एक कॉन्स्टेंट नंबर की पावर होती है वेरिएबल मतलब ए की पावर एक्स जहां पर ए क्या होगा कॉन्स्टेंट और नॉर्मली हम ए को पॉजिटिव लेकर चलते हैं नॉर्मली क्या लेकर ही चलते हैं क्योंकि ए नेगेटिव हो उसके पंगों में हम नहीं पड़ते जैसे मान लो बेस इतना पता ही होगा ए को बेस बोलते हैं एक्स को पावर बोलते हैं तो मान लो बेस को मैं नेगेटिव ले लूं सपोज करो तो माइनस टू की पावर एक्स लेने पर क्या होता है दिक्कतें आनी चालू हो जाती है कि मान लो मैंने एक्स को वन बाई टू ले लिया तो मैं एक्चुअली माइनस टू का रूट निकाल रहा हूँ फिर वो आयोटा में जाएगा आयोटा में जाएगा तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे इसलिए हम जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे हम ए को पॉजिटिव मानकर ही चलेंगे बेस को और उसको लिखते क्या है ए की पावर एक्स तो ये हमारे पास फंक्शन है कुछ खास प्रॉपर्टीज है नहीं बचपन में वो पढ़ते आते हो ऑब्वियसली मैं वो नहीं बताऊंगा ए की पावर एक्स इन ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन ए की पावर एम प्लस एन होता है वो मैं उम्मीद करता हूँ जानते हो तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ एक्चुअली डिपेंड करते हैं दो बातों पर मतलब एक्चुअली एक बात पर दो केसेस बनाने पड़ते हैं अभी तो यहाँ पर क्या यह है बेस है तो हमें ये देखना पड़ता है कि बेस जो है वो वन से बड़ा नंबर है या वन से छोटा नंबर है उसके अकॉर्डिंगली इसका ग्राफ बनता है तो इसका एक यूनिक ग्राफ नहीं होता ठीक है तो या तो वन से बड़ा होगा या वन से छोटा होगा अगर वन से छोटा है तो, जीरो से बड़ा तो नहीं पड़ेगा ना वो तो मैंने 2 की पावर एक्स है तो होगा क्या जितनी बड़ी तुम पावर रखोगे टू की उतना ही बड़ा नंबर मिलेगा मतलब जैसे जैसे तुम एक्स को बढ़ाते चलोगे वाई बढ़ता चलेगा तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ कुछ इस टाइप का बनता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर हम इस पॉइंट की बात करें जहां ये वाई एक्सिस को कट किए वाई एक्सिस को कट करने के लिए एक्स कोर्डिनेट जीरो एक्स जीरो रखोगे तो टू रखो तो की पावर जीरो वाई आ जाएगा वन तो ये पॉइंट आएगा जीरो कोमा वन कैसा फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीजिंग वो तुम समझते हो अब बात करते हैं मान लो ए जीरो से वन के बीच में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया मान लो सपोज करो वाई इक्वल टू वन बाई टू की पावर एक्स एग्जाम्पल है जरूरी नहीं है

दोनों जीरो पॉइंट कोमा वन से तो पास करेंगी करेंगे वो जरूरी है और इसका कैसा ग्राफ होगा लगातार डिक्रीजिंग ग्राफ होगा ये यह पता होना जरूरी है जो बारीकी है इसकी दूसरी बात यहां पर तुम नोटिस करो जो ये वाला हिस्सा है तो ग्राफ जो होगा वो एक्सिस के पैरल चलता जाएगा धीरे 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 पास आता जाएगा लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा टच कहां पर जाकर करेगा इन्फिनिटी पर ठीक है माइनस इन्फिनिटी पर वैसे ही यहां पर भी क्या है ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैदल चलता जाएगा लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा ना कट करेगा हमेशा ऊपर ही रहेगा और जब हम हाइपरबोला पढ़ लेंगे तो हम सबको पता भी होगा कि एसिम क्या होते हैं तो ये जो लाइन है ये इसके लिए एसिम टोट का काम कर रही है तो मैं लिख भी देता हूँ यहां पर द एक्स एक्सिस इज एन एसिम Of the exponential फंक्शन ठीक है तो वही दोबारा एस टोट जिनको पता है बहुत बढ़िया जब हाइपर बोला हो जाएगा फंक्शन के नोट्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या कुछ करोगे ठीक है तो ये लिख लेंगे अब जो हमेशा हम बातें करते हैं अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन के बारे में बात करूं तो यहां पर हमने ए को पॉजिटिव लिया ही इस वजह से है कि हम कुछ भी पावर रख सके तो तुम देख भी सकते हो कि एक्स यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर कोई एंड तो है नहीं इसका यहां पर भी कहां तक तो जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक तो एक्स की कोई लिमिट नहीं है तो इसलिए हम डोमेन लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या दूसरे शब्दों में तुम बोल सकते हो आर जो तुम्हारा मन करे अगर हम रेंज के बारे में बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी रेंज हमारे पास होगी आर R+. प्लस ठीक है R का दूसरा मतलब होता है जीरो से लेकर इन प्लस मतलब, मतलब और प्लस का मतलब क्या है पॉजिटिव रियल नंबर तो यहां पर तुम देख सकते हो दोनों ही केसेस में भले इंक्रीजिंग वाला ग्राफ हो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ हो हमारा पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है कभी भी नीचे नहीं आ रहा तो वाई यानी फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा यह बात हो और देखते हैं अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक तरह से इनइक्वालिटी इन इक्वालिटी हमें सोल्व करनी आती है वो हमें पता होनी चाहिए जैसे मान लो अगर कभी भी तुम्हें बोल दिया जाए कि की पावर एक्स ए की पावर वाई से बड़ा है और तुम्हें कंपैरिजन करना हो एक्स और वाई में तो हम क्या बोलेंगे हमें बोला गया की की पावर पावर ग्रेटर देन कंपैरिजन करना है और वाई में क्या बोलना चाहिए तो यहां पर हम डायरेक्ट कुछ भी कमेंट नहीं करते हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास बेस है ए वो वन से बड़ा है या वो नंबर वन से छोटा है ये दो बातों पर ध्यान देते हैं अगर बेस वन से बड़ा है तो क्या करो डायरेक्ट ए से ए उड़ा दो आ जाएगा वाई से बड़ा ठीक है और अगर हमारे पास बेस वन से छोटा होगा तो बेस हटाने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी तो तुम्हें ध्यान क्या देखना है क्यों हो? नहीं अंजलि तुमने लिखा है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता वन से बड़ा या वन से छोटा ये दो बातें ध्यान में देखते हैं पॉजिटिव तो हमेशा ही है के तो पच्चड़ों में पड़ेंगे नहीं अपने दूर, दूर दूर तक भी तो अगर बेस वन से बड़ा है तो ए हटाने पर इन रिवर्स नहीं होगी वन से छोटा है तो इन रिवर्स हो जाएगी जैसे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं होता पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव से मल्टीप्लाई करती पलट जाता है वही सेम काम यहां पर है तो इतना तुम्हें ध्यान देना होगा

तो ये था टेंथ। अब हम आते हैं इलेवेंथ पे इलेवेंथ इसी से रिलेटेड फंक्शन है इसको हम बोलते हैं लोक रिथमिक फंक्शन असल में ये पिछले वाले का इनवर्स होता है इनवर्स तुमने जिसने कोचिंग नहीं भी ली उसने भी पढ़ा होगा जो फंक्शन नाम का चैप्टर आता है उसमें पढ़ाया था इनवर्स फंक्शन क्या होता है जिसकी इमेज ले ली जाती है वाई इक्वल टू एक्स में तो लोग वहीं से मिलता है इसको लिखने का तरीका लोग एक्स कुछ नीचे बेस, बेस होता है ए है तो लोग के बारे में कुछ हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है तो पहली बात तो लोग काम कैसे करते हैं लोग एक फंक्शन है जैसे मान लो लोग एक्स टू बेस ए इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी वाई तो लोग काम कैसे करते हैं कि अगर तुम लोग हटाओगे तो क्या बचेगा एक्स बचेगा और ये जो वाई है वो आ जाएगा ए की पावर में

क्योंकि कितने लोग लोग जानते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है लोग की नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट आगे बढ़ू। जो बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हैं लोग काम कैसे करते हैं लोग की वैल्यू कैसे निकालते हैं इतने अगर जानते हो तो बताओ नहीं तो पता लग रहा है फैलता तो में लोग पे आधा घंटा लगा दूं और तुम्हें पहले से पता हो लगभग सभी का यही आए जानते हैं ठीक है सभी जानते हो तो फिर ठीक है फिर जल्दी से रिप्लाई कर दो लोग हंड्रेड टू द बेस्ट टेन कितना आएगा मेरी मन की शांति के लिए मुझे भी विश्वास हो जाए तुम्हें तो पता है हाँ होनार बच्चे हो हाँ, इसकी वैल्यू आएगी टू मतलब क्या होता है इसका टेन की क्या पावर कि हंड्रेड आ जाए तो वो टू होती है हाँ सबको पता है बहुत बढ़िया तो यहां पर कुछ लोग के ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं मतलब ये लोग तभी काम करते हैं जब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं पहली बात तो लोग के अंदर जो नंबर है एक्स वो ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है लोग के अंदर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता दूसरी बात जो बेस है ए वो बेस हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए बेस ए जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये बात एक तरह से हमने एक्सपोनेंशियल से उठाई है और तीसरी जो बात है वो ये है कि ए कभी भी वन के इक्वल नहीं होना चाहिए बेस के इक्वल नहीं हो सकता ठीक है वो पिछले वाले में भी है पिछले वाले में भी अगर मैं तुम्हें बताऊं उसमें दो बातें बोली जाती हैं देखो मैंने पिछले फंक्शन क्या लिखा है वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स यहां पर मैंने क्या लिखा था बेस ग्रेटर देन जीरो थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर आ जाता है कुछ लोग इसमें यह भी बोलते हैं कि बेस वन नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर बेस वन हो गया तो क्या बन जाएगा वाई आ जाएगा वन की पावर एक्स तो वो वन ही आएगा तो एक्सपोनेंशियल का कोई मतलब नहीं है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन वाई इक्वल टू वन तो कुछ लोग इसको एक्सपोनेंशियल में काउंट कर भी लेते हैं कि चलो ठीक है बेस वन हो गया कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग नहीं भी करते तो उसमें ज्यादा दिक्कत मतलब मतलब सोचना फिलहाल हम यहाँ पर लेकिन लेने लेना पड़ता है कि बेस वन के इक्वल नहीं है ये वो तो ये लोग फंक्शन है इसका काम इस तरीके से डिफाइंड होता है अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में और ग्राफ के बारे में तो इस फंक्शन का जो डोमेन वो हमारे पास डोमेन का मतलब सर सही कह सही कुछ नहीं है डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में कुछ पंगे हैं अभी मैं तुम्हें तो लिमिट पढ़ाऊंगा इसके बाद उसमें तो और भी थोड़े बहुत जगह पंगे आते हैं वो जो चीज तुम मानना चाहो तो जो चीज हम डिफाइन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जैसे लोक रीत फंक्शन है कि मैं अगर आगे की बात जब भी मैं लोग बोलूं तो तुम डायरेक्ट समझ जाओ कि अच्छा लोग ये होते हैं इसकी ये प्रॉपर्टीज है तो हम एक दूसरे से बिना पूरी ढंग से बात खोले हुए समझ आए एक दूसरे की बात ठीक है कि अगर मैं कॉन्स्टेंट फंक्शन के तो तुम डायरेक्ट समझ गए कि हाँ ऐसी वैल्यू जहाँ जो एक्सपर्ट डिपेंड ना करे और वाई सेम वैल्यू लेता रहे तो वो डेफिनेशन का काम इतना होता है तो कोई ऐसा तो है नहीं क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरा था और उस पर लिखा हुआ था कि भाई एक्सपोनेंशियल में ये होगा तो वो डिफाइन करने पर तुम कोई बुक उठाओगे तो वहां पर ए को वो वन साथ में लेकर चलता है किसी में लेकर नहीं चलता ठीक है और अगर मेरे हिसाब से पूछना चाहो तो ए को वन नहीं लेना चाहिए मतलब नॉर्मली नहीं तो तो लिखना चाहो तो वहां पर लिख भी लेना साइड में नोट्स जब भी बनाओगे मैं लिख ही देता हूँ पीछे लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो वो वाला स्क्रीन डिलीट कर देना ये दोबारा स्क्रीन ले लो लेकिन दोनों चीजें मिल जाएंगी तुम्हें अगर ढूंढोगे तो जिसको लेने दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो वो डिलीट कर देना आगे बढ़ते हैं अरे वो तो गायब हो गया क्या तो हाँ, तो ना तो डोमेन की बात करते हैं डोमेन क्या है एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है तो एक्स यहां पर क्या क्या वैल्यू ले सकता है जीरो से इन्फिनिटी तो डोमेन जीरो से इन्फिनिटी आएगा जिसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं आर प्लस यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर अगर हम रेंज की बात करें रेंज का मतलब वाई यानी लोग क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं तो लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जिसे हम बोलते हैं ऑल रियल नंबर्स ठीक है अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं ग्राफ देखने में कैसा होगा जिन्होंने कभी देखा है इसका ग्राफ उनको तो पता ही होगा जिन्होंने नहीं देखा वो भी सोचो हमने कहा है एक्स पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव होना चाहिए तो हमारा जो ग्राफ होगा वो प्योरली किस तरफ होगा एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा नेगेटिव वाई एक्सिस में हमें देखने को मिलेगा ही नहीं वो तो यहां पर भी हमें हमारे पास दो अलग अलग ग्राफ बनते दो अलग अलग ग्राफ इस तरीके से बनते हैं दोबारा बेस पर डिपेंड करता है जैसे एक्सपोनेंशियल में बताया था पहले हम केस लेते हैं कि यदि बेस वन से बड़ा हो तो क्या होगा दूसरी बार हम बात करेंगे कि अगर बेस वन से छोटा हो तब क्या होगा वन से छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा तो हो गई होगा ही होगा ठीक है तो अगर बेस वन से बड़ा हो तो लोग एक्स का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा मतलब भावनाओं को समझ लो ऐसा सा होता है ठीक है अब ठीक है तो अब बात करते हैं इस पॉइंट की ये वाला पॉइंट क्या होता है एक्सिस पर लाई कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट वन वाई कोऑर्डिनेट जीरो तो अगर बेस वन से बड़ा है तो ये कैसा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग होगा अगर बेस वन से छोटा है तो अब ये ऊपर से आता है और नीचे जाता है इस तरीके से अब ये जो पॉइंट मिलता है ये दोबारा वन को माँ जीरो मिलता है और ये कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा ये ध्यान रखना बेस वन से बड़ा बेस वन से छोटा इस पर डिपेंड करेगा अब इसके बाद लोक की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी क्या क्या होंगी तो लोक की जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो तो ये आती है कि अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा हो लोग एक्स टू द बेस या एक मिनट रुको बच्चों यहां पर लिख लेते हैं लोग टू द बेस प्लस लोग वाई टू द बेस ध्यान देना एक्स और वाई यहां पर अब डोमेन को डोमेन उसकी बातें मत करना कि एक्स डोमेन वाला नंबर है वाई फंक्शन वाला नंबर है कोई भी रेंडम नंबर है फिलहाल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो अगर दो लोग ऐड हो रहे हो और उनके बेस सेम हो तो नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई लोग एक्स वाई टू द बेस उसी तरीके से अगर हमारे पास हो log x log लोग एक्स टू द बेस दाइनस लोग माइनस हो रहे हैं बेस सेम होना जरूरी है तो अब दोनों नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे एक्स अपॉन वाई टू द बेस तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि मान लो अगर लोग बेस है उसकी पावर में एन हो दोनों की पावर है दोनों की पावर आगे आती है जो ऊपर एक्स नंबर है उसकी पावर तो सीधी आगे आती है एम जो नीचे बेस है उसकी पावर अपोन में आती है एन और अंदर क्या बचेगा बच और क्या प्रॉपर्टीज है मान लो एक इस तरीके से लिखा हो की पावर में है लोग बी टू बेस सी ध्यान देना एक पावर में है तो तुम यहां पर बी और ए को इंटरचेंज कर सकते हो बी नीचे रह जाएगा बी नीचे आ जाएगा और बी की जगह आ जाएगा ए जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें दोबारा लिख देता हूं बी टू द बेस दी बी की पावर लोग ए टू द बेस दी जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखें देखें ऐसा सा देता है जैसे मान लो एट की पावर लोग सेवन टू द बेस टू तो हमें दूर दूर तक तो कोई आइडिया नहीं कि टू की क्या पावर रखें सेवन आई तो हम इसको क्या कर सकते हैं एट और सेवन को इंटरचेंज तो सेवन नीचे आ जाएगा लोक के अंदर आ जाएगा एट ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है मतलब तुम सोच भी नहीं सकते आगे कितनी यूज होने वाली है तो अब टू की क्या पावर रखेंगी एट आई थ्री तो सेवन की पावर थ्री ये बन जाएगा थ्री फोर्टी थ्री ये हमारा आंसर आया था ठीक है चीके? तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना जरूरी है इसके बाद जैसे हमने वहां पर इनइक्वालिटीज के बारे में बात की थी वैसे यहां पर भी इनइक्वालिटीज आती है मान लो दो लोग को कंपेयर कंपेयर करना हो उनका कंपैरिजन करना हो लोग एक्स टू द बेस ए हमें दिया गया है लोग वाई टू द बेस ए से बड़ा जिसको पता है रिप्लाई करके बताओ भाई क्या होगा एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा तो यहां पर भी हमें दो केसेस बनाने पड़ते अगर बेस हमारा वन से बड़ा हुआ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है लोग से लोग काट दो या कह लो लोग हटा दो x आ जाएगा y से बड़ा अगर हमारा बेस वन से जीरो के बीच में हुआ तब हमें लोग हटाने पर इनक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी जैसे एक्सपोनेंशियल में हमने बात की थी ठीक है और क्या इनइलिटी आती है मान लो मैं बोल दू लोग एक्स टू द बेस ए वाई से बड़ा है अब यहां पर भी हम क्या करना चाहते हैं लोग हटाना चाहते हैं तो सोच के देखो लोग हटाओगे तो लोग के अंदर से तो मिलेगा एक्स और ए की पावर में आ जाएगा वाई हमें देखना है ये बड़ा कब होगा और छोटा कब होगा तो अगर ए वन से बड़ा है बेस तो जैसा साइन पहले था बिल्कुल वैसा ही अब आएगा अगर बेस वन से छोटा होगा तो साइन पलट जाएगा उल्टा हो जाएगा बिल्कुल सेम काम है अब इसमें ये तुम्हारा वो नहीं आना चाहिए कि सर आपने ग्रेटर देन के लिए तो बता दिया लेस देन के लिए बताओ कंसेप्ट सेम है ठीक है अगर यहां पर मैं इक्वल टू लगा दूंगा तो यहां पर भी इक्वल टू आ जाएंगे वो तुम अपने आप कर सकते हो मेन हमें वो देखना है बस कि कहां पर क्या हो रहा है यहां पर अब इसके बाद कुछ इसके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं जैसे एक पॉइंट तो क्या है इफ द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी यूनिटी का मतलब क्या है वन अगर दोनों वन के एक ही तरफ होंगे देन द वैल्यू ऑफ लोक विल बी पॉजिटिव ठीक है जैसे एक इसका एग्जांपल देखो जैसे मान लो मैं बोल दू लोग सेवन टू बेस हंड्रेड है हंड्रेड की क्या पावर रखें कि सेवन आ जाए हमें कुछ आइडिया नहीं दूर दूर तक ना फिलहाल हमारे पास लोक टेबल है ना हमें मिलती है लेकिन अगर मुझे बताना हो कि भाई मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि दोनों यूनिटी यानी वन के एक तरफ है और यूनिटी से मतलब एक तरफ होने का मतलब या तो दोनों वन से बड़े हों या दोनों वन से छोटे हों तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी इतना हम बता सकते हैं और ये भी कभी कभी हमें बताना पड़ता है जरूरी बात होती है दूसरी बात जो है यहां पर वो क्या है समझ समझिए क्योंकि अगर इसका उल्टा काम बोले इफ द नंबर एंड द बेस on the opposite sides of unity, अपोजिट साइड then the value of log will be negative. ठीक है जैसे एग्जाम्पल लो, कोई भी एक वन से बड़ा होना चाहिए दूसरा वन से छोटा होना चाहिए जैसे मान लो log two to the base आ गया मान लो zero point one आ गया अब ये नहीं कि वन से छोटा तो नेगेटिव ले लिया बेस का जीरो से बड़ा होना जरूरी है वो अभी भी कंडीशन जरूरी है तो हमें नहीं पता वैल्यू कितनी आएगी और निकाल भी सकते हैं तो हम कोशिश भी नहीं कर रहे लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ठीक है तो ये हम बता सकते हैं ये एक नोट हुआ तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर एक दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं उसकी बात भी कर लेते हैं और कोई दिक्कत है तो बता दो इसमें कुछ नहीं समझ में आया ये नहीं स्क्रीन शॉट लेने में लगे हुए हैं और <laughs> कुछ बोल दिया करो साथ टाइप कर दिया करो अगर कुछ भी दिक्कत है इसमें ये मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि दिक्कत है दिक्कत है तो वो अपने मजे के लिए नहीं पूछ रहा हूं है तो बोलो जल्दी उसे क्योंकि चीजें तो तुम्हें बुक में भी, भी मिल जाएंगी नेट पे ढूंढ लोगे वहीं पे भी कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा ठीक है स्क्रीनशॉट भी ले लियोगा यहीं पर मैं लिख रहा हूँ आगे तो अगर तुम नोटिस करो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसमें बताया था एक्सपोनेंशियल में यहां पर भी क्या इस हिस्से देखो तुम दोनों पर तो ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा वो उसके साथ साथ चलता जाएगा बस ठीक है और टच कहां पर जाकर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला जाकर टच करेगा माइनस इन्फिनिटी पर और राइट हैंड साइड वाला जाकर टच करेगा प्लस इंफिनिटी पर ठीक है तो जो इन्फिनिटी पर जाकर लाइन टच करती है कर्व को उसी को ऐसी बोलते हैं तो ये सुनी लो डेफिनेशन भी सुनी लो जो ऐसी लाइन जो इन्फिनिटी पर जाकर टेंजेंट बने कर्व के लिए कोई भी कर्व हो सकता है वो उसके लिए क्या हो जाएगी ऐसी तो यहां पर वो इस, उस, उसी नोट को लिख रहे हैं दोबारा तो लिखोगे द वाई एक्सिस इज एन एसिम एन वैसे और इकलौती होती है वैसे तो इज एन एसिम Of the logarithmic फंक्शन और एक और आखिरी नोट जो है अपने पास वो क्या है द लोग्रिथमिक एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ इच अदर जिनको याद है बहुत बढ़िया बधाइयों जिनको नहीं याद आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं ठीक है चीके? तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लोग्रिथमिक हुए इनके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने कल करेंगे